वॉट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के इम्पॉर्टेंस के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्लॉय सेफ्टी तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंस होता है वो है इम्प्लॉयज़ की फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को सेफ रखना क्योंकि एक सेफ वर्क प्लेस की वजह से इम्प्लॉय रिटेंशन प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है सेकेंड पॉइंट है बिज़नेस एफिशिएंसी तो एक हेल्थी एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट बिजनेस की एफिशिएंसी को इन्हांस करता है डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज करके जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट और इंजरीज होती हूँ तो बेटर एंड हेल्थी कंडीशन की वजह से वर्कर्स एबसेंट भी नहीं होते हैं और साथ ही प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है थर्ड पॉइंट है लीगल प्रोटेक्शन तो वेल इंप्लीमेंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटीज एंड पेनल्टीज से सेफ रखती है क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक प्रूफ होती है ऑर्गेनाइजेशन की अपहोल्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की कमिटमेंट का फोर्थ पॉइंट है कॉरपोरेट इमेज एंड रिपोटेशन तो एक स्ट्रॉग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को इन्हांस करती है स्टेक होल्डर एम्प्लॉइज़ कस्टमर और इन्वेस्टर्स के सामने क्योंकि इससे ये शो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लाईज़ की वैल्यू करती है और साथ ही उनकी बीइंग well के लिए कमिटेड है फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल सेविंग तो एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की मदद से वर्कप्लेस के एक्सीडेंट और इंजरीज और इलनेस को रिड्यूस कर सकते हैं जिससे एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सेविंग हो सकती है जैसे लोअर प्रीमियम इंश्योरेंस रिड्यूस्ड कंपनसेशन क्लेम एंड अवॉइड फाइंस एंड पेनल्टीज सिक्स पॉइंट है कंप्लाइंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स तो बहुत से जुरि के लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इम्प्लॉ होने पर वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिटर्न फॉर्म में ज़रूर होनी चाहिए और यहाँ तक कि कुछ केसेस में मैंडेटरी तो नहीं होता है लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिसीज़ को मेंटेन रखती है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर